एक्चुअली ये जो लोहड़ी का त्यौहार है ये हर साल आता है, जैसे इसमें हिंदू मुस्लिम सिख जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, वो बहुत उत्साह होता है इसमें कि हिंदू मुस्लिम सिख जो है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और बहुत अच्छा लगता है। इसमें मुफलियाँ रेवड़ियाँ चिप्पड़ आग जलाई जाती है, उसमें ये जो है सबको डाला जाता है, फिर उसके बाद जो है सब जो खड़े होते हैं उन पर बांटा जाता है। हमने यहाँ लोहड़ी का त्यौहार मनाया है, हर साल में हम यहाँ मनाते हैं, हिंदू मुसलमान सब मिलकर सरदार सब मिलकर ये त्यौहार मनाते हैं। एक खुशी का दिन होता है, मुस्लिम मनाते हैं, हम सब त्यौहार मनाते हैं, इसलिए आज भी हमने इसीलिए यहाँ सब ने इकट्ठे होकर ये त्यौहार मनाया है। आज लोहड़ी का त्यौहार है, हम सब बहन भाई मिलकर खुशी से जैसे कि हर साल इस त्यौहार को मनाते हैं। इस कोरोना की बीमारी के कारण चाहे अच्छे तरीके से नहीं पर फिर भी हमारा बचाव हुआ, इस खुशी में हमने आज सब बहन भाइयों ने मिलकर इस त्यौहार को मनाया। पावन पवित्र अवसर पर और इस पावन पवित्र त्यौहार की और ख़ासकर मकर संक्रांति के काल जो मकर संक्रांति का पर्व जो है वो यही गीता भवन में सुबह मनाया जाएगा, मैं इन दोनों त्यौहारों की पूरे पुंछवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और हर वर्ष की तरह गीता भवन में ये त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जो है वो मनाया जाता है। पूरे विश्व के अंदर ये जो लोहड़ी का पर्व है और मकर संक्रांति का पर्व है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जो है मनाया जाता है। खासकर पुंछ की बात करें, पुंछ में हर घर के अंदर जो है वो लोहड़ी का दहन किया जाता है, पूजा की जाती है, जैसे गीता भवन में अभी हमने इसकी पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करने के बाद जो है वो लोहड़ी का पर्व हम जो है मना रहे हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बच्चे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लोहड़ी का त्यौहार मना रहे हैं। ये एक ऋतु जो है ना वो भी इसका परिवर्तन का संकेत जो हमें नज़र आता है। आज आप देखें आज और कल में और परसों में अब दिन ब दिन जो है नई ऋतु जो है हमारे सामने आएगी, सर्दी का प्रकोप खत्म होना शुरू हो जाएगा, गर्मी का प्रकोप हमारी ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लोहड़ी का पर्व जो है हम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हम मनवाते हैं। मैं एक बार पुनः सभी पुंछवासियों को इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। धन्यवाद।